हेलो गाइस, वेलकम टू बिटी जोन यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम एक नए यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो यूज है हैविंग सेड दैट का। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है पर फिर भी, इसके बावजूद भी। सो दोस्तों, ये हैविंग सेड दैट हमने शायद कहीं पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लेते हैं। ऐसे सेंटेंसों को हम काफी बनाते हैं और बहुत यूजर लैंग्वेज में हम इसको यूज करते हैं, और दोस्तों के साथ बैठते हैं तब यूज करते हैं, किसी और के साथ बैठते हैं तब यूज करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो यूज करते हैं। तो ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को इनका बनाने का तरीका नहीं पता होता है। आज हम इसके तरीके के बारे में जानेंगे, कैसे इनको बनाया जाता है, किस तरीके से सेंटेंस को यूटिलाइज किया जाता है। सो दोस्तों, जैसे कि ये सब सेंटेंसेस हैं हैविंग सेड दैट के ऊपर। हैविंग सेड दैट का मतलब पर फिर भी और इसके बावजूद भी होता है, जैसे कि मैं पहले अर्लियर बता चुका हूँ। लेकिन कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, बनाते हैं, जैसे वो ईमानदार है पर फिर भी गरीब है, वो बेईमान है पर फिर भी उसे लोगों पर दया आ जाती है। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस बनेंगे और ऐसे ही हमने कुछ सेंटेंसेस आज बनाए हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स हैव अ सेट साइड ऑन द बोर्ड टुडे। हैविंग सेड दैट इट मींस पर फिर भी, इसके बावजूद भी। सो दोस्तों, इसके दो मीनिंग है, पर फिर भी और इसके बावजूद भी। सेंस एक ही होता है, दोनों का मतलब सेम है। पर फिर भी का मतलब वही सेंस आता है, इसके बावजूद भी वही सेंस आता है। वर्डिंग सेंस अलग अलग है, डिफरेंट है। तो पहला सेंटेंस है, वो एक अच्छा आदमी है पर फिर भी उसमें कुछ कमियां हैं। तो कोई आदमी है वो अच्छा है। He is a good person, having said that he has some faults. Faults means कमियां। So दोस्तों, next is, उसके पास कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी वो घमंड में रहता है। कोई आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी attitude show करता है। तो यहाँ पर हमने sentence को बनाया है, उसके पास कुछ नहीं है, sentence में है he has nothing। So दोस्तों, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, He doesn't have anything. लेकिन हमने इसको सिंपल में बनाया, He has nothing. Having said that, he shows attitude. He shows attitude. वो घमंड में रहता है, it means वो घमंड दिखाता है. Next is, मैं उसका भला चाहता हूँ पर फिर भी वो मेरी बात नहीं सुनता. It means I want his good. Good means भला, भलाई चाहना. चाहना means want. I want his good. Having said that, he doesn't follow me. वो मुझे फॉलो नहीं करता, वो मेरी बात नहीं सुनता। सो दोस्तों, नेक्स्ट इज व्हाट, कुछ लोग शक्ल से ईमानदार लगते हैं, इसके बावजूद भी वो बड़े बेईमान होते हैं। होता भी है। तो सम पीपल लुक ऑनेस्ट बाय फेस, चेहरे से बाय फेस। हैविंग सेड दैट दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी डिसऑनेस्ट, सॉरी दे आर वेरी डिसऑनेस्ट। सो दोस्तों, आज हमने हैविंग सेड दैट के बारे में पढ़ा। Having said that एक यूज है, और ये यूज हमें बड़ी हेल्प करता है स्पीकिंग के अंदर। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हमें स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम्स फेस होती है। सो फर्स्ट, वी हैव टू अवॉइड आर हेजिटेशंस, वी हैव टू अवॉइड आर हेजिटेशंस ऑफ कंसेप्ट्स। सो दोस्तों, आई थिंक यू वुड लाइक माई वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक माई चैनल।